तो मैं हूं ध्रुव डोडिया, स्वागत करता हूं आपका एग्री लर्नर में। आज मैं आपको एक मज़ेदार टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम लाइट ट्रैप है। लाइट ट्रैप क्या करता है कि हमारी फसलों में जो रात में आकर्षित होके जो भी कीटक है जो रात में आकर्षित होते हैं लाइट से, उसको कंट्रोल करता है। तो लाइट ट्रैप बेसिकली है क्या? लाइट ट्रैप एक सिंपल बक्सा है जिसमें से बनता है। आज मैं इसमें से कैसे बनाते हैं वो भी आपको बताऊंगा। सिंपल एक बक्से में से बनता है, इसमें हम लैंप लगा देंगे। लैंप है वो रात को प्रकाश फेंकेगा, उसके कारण जो जो भी पेस्ट है वो प्रकाश से आकर्षित होकर इसमें आएंगी, और नीचे हम पानी भर देंगे और उसमें ऑयल डाल देंगे, तो उसके कारण क्या होगा कि वो आएगी, फिर थोड़ी देर घूमेगी, फिर पानी में नीचे धस जाएगी और ऐसे मर जाएंगी। तो लाइट ट्रैप हम फेरोमेन बहुत सारे ट्रैप्स का यूज़ करते हैं। देखिए जैसे कि ये एक फेरोमेन ट्रैप है, ये राइनोसीरस बीटल की फेरोमेन ट्रैप है जो कोकोनट में हम लगाते हैं। ये उसकी ल्यूर है। इसका एक माइनस पॉइंट क्या है कि ये देखिए इसका बीटल है जो ये पकड़ती है। इसका माइनस पॉइंट क्या है कि ये एक पर्टिकुलर एक ही मतलब जो सुंडी होती है या हम जिसको पेस्ट बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, उसको कंट्रोल करती है। लेकिन लाइट ट्रैप का बेनिफिट क्या है कि वो बहुत ही बोरोड कैटेगरी के पेस्ट को कंट्रोल करती है। जो सारे पेस्ट जो रात के प्रकाश से आकर्षित होके फील्ड में आते हैं उन सबको ये कंट्रोल करती है। मैं आपको अगर ओवरव्यू दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे डाल दिया किसी किस लिस्ट डाल दी है पूरी किसको कंट्रोल करती है। अगर मैं आपको बताऊं तो जो गन्ना है उसमें तनाछेदक, फिर धान है उसमें तनाछेदक, फिर एरंडी है उसमें सेमी लूपर, वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है उसको कंट्रोल करती है। फिर अपना कॉटन में हो गया, फिर ग्राउंड नट में वाइट ग्रब्स हो गया, वो बहुत ही मेजर पेस्ट है सौराष्ट्र में, वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है उसको कंट्रोल करती है। ये सारे जो पेस्ट है वो रात के प्रकाश में लाइट के जब लाइट होती है तो उसकी तरफ आकर्षित होके आते हैं और ये ट्रैप उसको पकड़ लेता है। फिर सब्जी वर्गीय फसल है बहुत सारी, जैसे कि बैंगन हो गया, उसमें फ्रूट एंड शूट बोरर हो गई, वो बहुत ही मेजर आजकल के दिनों में वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है सब्जी। फिर टमाटर, बैंगन, सारी सब्जी वर्गीय फसल, उसमें जो सारी नॉक्टर्नल पेस्ट है जो कि रात के प्रकाश में आकर्षित होते हैं कि हमारे फील्ड में आती है, उन सबको कंट्रोल करता है। ये तो मैंने आपको कुछ नाम दिए, ऐसे बहुत ही ज़्यादा ऑर्चर्ड के जो जैसे कि ये कोकोनट का ऑर्चर्ड है, इसमें भी एक राइनोसीरस बीटल को गेंडा कीटक हम बोलते हैं उसको भी ये कंट्रोल करता है। और देखिए मैंने एक लाइव डेमो, एक ऐसे सिंपल बक्सा होता है, इसको बनाने कैसे है, सिंपली एक ऐसे सिंपल बक्सा होता है, अब उसको साइड में से कट कर देंगे। साइड में से कट क्यों करेंगे, क्योंकि लाइट और अंदर एक होल्डर लगा देंगे। देखिए ऐसे होल्डर मैंने लगाया है और उसमें लैंप लगा देंगे, उसको लाइट के कनेक्शन के साथ जोड़ देंगे। अगर आपके पास लाइट कनेक्शन नहीं है तो आप बैटरी रिचार्जेबल जो लैंप है उसका यूज़ भी कर सकते हैं। ये करता क्या है कि जो देखिए लाइट अंधकार में प्रकाश फेंकेगी तो जो पेस्ट है जो हमारे फसल को नुकसान करती है, बेसिकली क्या है कि जो पतंगिया है, फिर ये ऐसे बीटल्स हो गए, देखिए ऐसे एडल्ट, ये अंडा देती है, ये अंडा फिर सुंडी में या हम उसको लार्वा बोलते हैं उसमें कन्वर्ट होती है, वो ये लार्वा ही बेसिकली नुकसान करता है। तो अगर हम इसको ही पकड़ लेंगे तो फिर आगे उसका जीवन चक्र है पूरा, वही हम उसको रोक देंगे तो उसका कंट्रोल मैनेजमेंट हम अच्छे से कर सकते हैं। तो ये लाइट थ्रो करेगा, इसके कारण क्या होगा, हम बारी विंडो क्यों बनाई है, लाइट थ्रो करेगा बाहर से तो बाहर लाइट जाएगी, उसके कारण ये इजीली अंदर आ सकेंगे, फिर थोड़ी देर यहाँ पे घूमेंगे, फिर अंदर हमने पानी डाला है, देखिए अब पानी के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अब ऑयल से क्या होगा कि अगर सिर्फ पानी डाला है तो ये चांसेस है कि पेस्ट वहाँ से उड़ के फिर जा सकती है। अगर ऑयल डाल देंगे तो ऑयल चिपचिपा होता है, इसलिए क्या होता है कि वो पेस्ट चिपक जाएगी, बाहर जा नहीं सकेगी वापस। देखिए ऑयल डाल दिया और फिर ये उसको पकड़ लेगा। आप स्क्रीन पे लाइव देख सकते हैं, पिछले ही साल हमने ग्राउंड नट पे इसका ट्रायल किया था, एक ही नाइट में एक ही ट्रैप में 40 या 50 उसके जो
एडल्ट बोलते हैं वाइड ग्रब्स के, वो उसमें ट्रैप हुए थे। एक आप सोच लीजिए, एक है 20 से 30 अंडे देता है, तो वो कितने फिर सुंडी में लार्वा में कन्वर्ट होता और कितना डैमेज करता। तो अगर हम ऐसे ही केमिकल का यूज़ तो हम करते ही है, अगर हम ऐसे जुगाड़ किसान मित्र हम ऐसे यूज़ करें तो केमिकल का यूज़ बहुत कम करके, अपना बजट कम करके उसमें ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। और केमिकल एक तरह से बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो वो एक तरह से हानिकारक भी है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सोइल के लिए, पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। इसलिए इसका यूज़ करना फ़ायदेमंद है। ये इसका फ़ायदा एक ये है कि ये बहुत ब्रॉड कैटेगरी पेस्ट को ये कंट्रोल करता है। देखिए पिछले साल मैंने लाइटर बहुत ही सिंपल ऐसे बनाना, सिर्फ साइड में विंडो बना दीजिए और ऊपर से एक होल्डर डाल दीजिए और लाइट कनेक्शन से उसको लगा दीजिए, 1 एकड़ में 2-3 लगा दीजिए और रात को इसको ऑन रखिए, दिन को बंद कर दीजिए सिंपली, और नीचे पानी भर के ऑयल डाल दीजिए। फिर इसको बनाना एकदम सिंपल है, पिछले साल मैंने सारे बनाए थे, देखिए ये। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।